मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग या फिर जिम के लिए अगर आप लोग डाइट करते हो देन आई एम सो श्योर आप लोगों ने ओट्स के बारे में सुना है। सो अगर आप लोग जिम जाते हो, वहाँ पर अच्छे से हार्ड ट्रेनिंग करते हो, एक अच्छा वर्कआउट सेशन रहता है एंड अगर आपका गोल है कि आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है देन माई ब्रदर दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि मैं ओट्स की रेसिपी आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने देखा कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट करा हुआ है एंड ऐसा लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव रेसिपी बना रहे हैं, कि बहुत खर्चा कर रहे हैं उसमें। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ इससे हमारे ओट्स एक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, सेकेंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएंगे एंड अगर इस तरह के ओट्स को आपने अपनी डाइट में ऐड किया देन आई एम अश्योरिंग यू गाइस आपको डेफिनेटली आपके मसल बिल्डिंग गोल्स में हेल्प मिलेगी। अब मार्केट में बहुत से तरह के ओट्स मिलते हैं, जैसे प्लेन ओट्स हैं, मसाला ओट्स हैं, बट मैं प्लेन ओट्स ही प्रेफर करता हूँ। जैसे मेरे पास अभी ये पैकेट है क्वेकर का, आई थिंक केलॉग्स के भी आते हैं एंड जो नॉर्मल रेट है हर जगह वो यही होता है कि 180 रुपीज़ पर केजी मिल जाता है। जब एक सर्विंग बनाएंगे तो 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स यूज़ करेंगे। मेरे पास है नॉर्मल 200-250 रुपये का रहता है, आई थिंक आई बॉट इट फॉर 300 रुपीज़। नॉर्मल हम 50 ग्राम्स ओट्स ले रहे हैं। अब मैं जानता हूँ कि इसमें काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं बट उनके पास अभी तक ये मेजर करने वाला टूल नहीं है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार ले लो, अगर नहीं है तो जब तक के लिए एक जुगाड़ बता देता हूँ। बेसिक कटोरी है जो सबके घर में होती है, नॉर्मल साइज़, ठीक है, बड़ी कटोरी नहीं है ना ज़्यादा छोटी है, बेसिक साइज़ जो होता है उसमें हम यही ओट्स, एक कटोरी ओट्स जो होते हैं अराउंड 50 ग्राम्स होते हैं, आप अंदाज़ा लगा लो इतने ओट्स कटोरी में आपके 50 ग्राम के करीब हो जाएंगे। इट्स नॉट जस्ट कि आप लोगों ने किसी और को देखा ओट्स खाते हुए एंड देन आप भी अपना ओट्स खाने लग गए, आप लोगों को एक्चुअल में पता भी होना चाहिए कि ओट्स हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ कि दिस इज गुड कार्बोहाइड्रेट्स, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं ओट्स में जो कि हमारे लिए अच्छे रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग एंड मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करते हैं एंड प्लस इट्स हाई इन फाइबर। सो अभी मैं पैन ले रहा हूँ, हम किसी माइक्रोवेव वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे, नॉर्मल पैन पर अपने ओट्स बनाएंगे। वाटर में कुक कर रहा हूँ, पानी में कुक कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो दूध में भी कुक कर सकते हो। एक अंदाज़ा हम रखेंगे कि जितने ओट्स हम लें उससे 3 गुना पानी डालेंगे इसमें। जैसे हमने यहाँ 50 ग्राम ओट्स लिए तो उसके 3 गुना हम अराउंड 150 ml पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर दूध यूज़ कर रहे हो तो 3 गुना ज़्यादा दूध। जैसे ही हल्का सा उबाल दिखने लग जाएगा हमें हमारे पानी में, उसके बाद हम अपने ओट्स ऐड कर देंगे। अब देखो पानी थोड़ा थोड़ा उबलने लगा है, ये मेरे ओट्स मैंने ऐड कर दिए। अब देखो डालते ही ना यार इसको नीचे मत लगा देना, इसको आप लोग फटाफट से फैला दो। 2 मिनट तक मैंने पानी को गर्म होने दिया था पहले। अब देखो इसका टेक्सचर चेक कर लो आप, ठीक है, यही टेक्सचर रखना है। सेकेंड इन्ग्रीडियंट अब हम ऐड करने वाले हैं विच इज सिनेमिन। अब सिनेमिन का क्या है, देखो दालचीनी पाउडर बोलते हैं इसको हम, इसका रीज़न क्या है, लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर लेकिन उससे भी ज़्यादा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से इतना पाउडर मैं डाल रहा हूँ दालचीनी का। ब्रो अगर आप लोग एक्चुअली सीरियस हो लॉन्ग टर्म मसल बिल्डिंग को लेकर एंड अपनी हेल्थ को लेकर तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, जैसे मैंने अभी इसमें सिनेमिन ऐड किया। एंड द थर्ड इन्ग्रीडियंट वी आर गोइंग टू ऐड एप्पल। अब देखो एप्पल नेसेसरी नहीं है, इसकी जगह आप बनाना भी ऐड कर सकते हो, मैं ज़्यादातर बनाना ऐड कर रहा हूँ बट जैसे कि मेरे पास अभी बनाना अवेलेबल नहीं है तो मैं एप्पल ऐड कर रहा हूँ। एप्पल का भी अपना ही टेस्ट है, इट्स जस्ट कि हम जब फ्रूट ऐड करते हैं इस मील में तो एक तो बहुत हेल्दी होता है डेफिनेटली, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। जो भी फ्रूट आप ऐड कर रहे हो उसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस अगर आप डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने 3 चीज़ें ऐड कर दी, अब हम फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करने वाले हैं। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ पिंटोला पीनट बटर से, 1 स्पून ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल पीनट बटर। इसके अंदर कोई पाम ऑयल या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल मिक्स नहीं है एंड साथ ही इट इज़ वेरी गुड इन विटामिन ई एंड B3। 100 ग्राम्स पिंटोला पीनट बटर में हमें मिलता है अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड दिस ब्रांड इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑर्गेनिक और नेचुरल पीनट बटर। तो क्योंकि मैं अपनी ओट्स की रेसिपी में आगे वे प्रोटीन यूज़ करने वाला हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिंटोला के हाई प्रोटीन पीनट बटर भी अवेलेबल है जिसमें एडेड वे प्रोटीन है, बहुत ही स्मूथ टेक्स्ट। आपको भी टेस्ट करना है, करो टेस्ट, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, वेरी गुड। नॉट जस्ट अबाउट क्वालिटी लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी भी है, सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर क्लिक करके इसको जरूर चेकआउट करें। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है वे प्रोटीन, कोई भी फ्लेवर जो आपको अच्छा लगता है वो वाला वे प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं एंड हमें एट दी एंड इसको मिक्स करना है। इस कंप्लीट ओट मील में हमें मिल जाएगा अराउंड 36 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 52 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, 16 ग्राम्स ऑफ गुड क्वालिटी फैट्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 496 कैलोरीज। प्रेजेंटेशन आप कैसे भी रख सकते हो लेकिन एट दी एंड इसको मैश करके ही खाना है। क्वालिटी में दिस इज सुपर ऑसम एंड ऑल्सो इन टेस्ट। अगर ये वीडियो अभी भी आप देख रहे हो तो गाइज आई रियली अप्रिशिएट इट, मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो एंड ऑल्सो अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो भी आप ऐड कर सकते हो कमेंट्स में, आई विल चेक इट। मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, कीप वर्किंग हार्ड।